नमस्कार, मेरा नाम राम सखी है और सब मुझे प्यार से सखी दी कहती हैं। प्रतिपदा माँ शैलपुत्री या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संचता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पहला दिन माँ शैलपुत्री, तो नवरात्रि का पहला दिन जो माँ शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है, नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। ये माँ दुर्गा का प्रथम स्वरूप है। ये राजा हिमालय शैल की पुत्री है, इसी कारण ये शैलपुत्री कहलाती है। ये बैल पर विराजती हैं, अस्त्र शस्त्र दो हाथ, दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल धारण किए हुए हैं। आओ हम माँ शैलपुत्री की कथा सुनाते हैं। तो माँ शैलपुत्री सती के नाम से भी जानी जाती है। इनकी कहानी इस प्रकार है। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया, लेकिन भगवान शिव को नहीं। देवी सती भली भांति जानती थी कि उनके पास नियंत्रण नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो यश यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थी, लेकिन भगवान शिव ने मना किया। उन्होंने कहा कि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई भी निमंत्रण नहीं आया और इसलिए वहाँ जाना उचित नहीं है। सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करती रही। सती के ना मानने की वजह से शिव जी को उनकी बात माननी पड़ी और अनुमति दे दी। जब सती अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुँची तो देखा कि कोई भी उनके आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेर हुए हैं और सिर्फ उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। उनकी बाकी बहनें उनका हास उड़ा रही थीं और सती के पति भगवान शिव को भी अपमानित कर रही थीं। स्वयं दक्ष ने भी अपमान करने का मौका न छोड़ा। ऐसा व्यवहार देख सती दुखी हुई। अपना और अपने पति का अपमान उनसे सहन ना हुआ और फिर अगले ही पल उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं दक्ष ने भी नहीं की होगी। सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में खुद को स्वाहा कर अपने प्राण त्याग दिए और भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो वो दुखी हो गए। दुख और गुस्से की ज्वाला में जलते हुए शिव ने उस यज्ञ को विध्वंस कर दिया। सती ने फिर हिमालय के यहाँ जन्म लिया और वहाँ जन्म लेने की वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। शैलपुत्री का नाम पार्वती भी है। इनका विवाह भी भगवान शिव से हुआ। माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। वहाँ शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर है जिसके बारे में मानता है कि यहाँ माँ शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने से ही भक्तों की मुरादें पूरी हो जाती हैं। कहा तो यह भी जाता है कि नवरात्रि के पहले दिन जो भी भक्त माँ शैलपुत्री के दर्शन करता है उसके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। जय माता दी। तो आज हमने आपको शैलपुत्री के बारे में बताया है। आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। नमस्कार, कल फिर मिलते हैं द्वितीय नवरात्रि के लिए। माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में हम आपको बताएंगे। जय माता दी।